ये निशाना किसका लिया हुआ है? नहीं ये इसी तरह है, ठीक है, नकली है। Known from Kabul, the capital of Afghanistan. सुबह नाश्ते में जी हमने अफगान ब्रेड, साथ में था हमारे जैम होममेड, उसके बाद हमारा था चीज़, चाय, कहवा। तो नाश्ते में हमने वो किया था और अभी मैं जा रहा हूँ इस टाइम अफगानिस्तान के टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्ट्री के, जहाँ से हमने अपना परमिट बनवाना होता है अगर आपने उसके किसी भी कैपिटल को आपने करवाना जाना है। अच्छा, मीडिया में जो हमें बताते हैं ना कि यहाँ पे कि यहाँ बहुत सख्ती है लड़कियों के लिए, ख्वातीन के लिए, औरतों के लिए, ठीक है, आप मेरे सामने देखें यहाँ पे काबुल में, मैं कल से इसके मैं बड़ा कीनली ऑब्जर्व कर रहा था और यहाँ काबुल में जो है इतनी सख्ती तो मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। ये ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक इन पाकिस्तान के ख्वातीन बाहर कम ही हैं, लेकिन जो भी हैं तो उन्होंने काला उनका जो है अबाया वगैरह वो पहना हुआ है और कुछ ने मास्क किया हुआ है, कुछ ने जो है अपना चेहरा ढका हुआ है और काफ़ी ने जो है नहीं ढका हुआ। तो लाइफ इज़ प्रिटी नॉर्मल। तभी अब ये देखें कि ये इस टाइम मैं जहाँ पर हूँ ये काबुल का इलाका है, इसे कहते हैं तैमनी। मैं पहले सुबह एक दफ़ा होके आया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर से और अब जा रहे हैं सिर्फ वहाँ से वो पेपर उठाने के लिए। अब हर प्रोविंस जहाँ भी आप जाना चाहते हैं तो हर प्रोविंस की फ़ीस है 1000 अफगानी रुपए, ये तकरीबन $10 बनती है वो, या यूरो। तो वो हमने वहाँ से लिया और अब हम जा रहे हैं उसको लेने के लिए। इधर सिम कार्ड का तो मसला हमारा होपफुली हल हो गया है, ली तो है हमने सिम, लेकिन मैं बता रहा था कि मैं वहाँ पे जब उसके वहाँ बैठा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में और टूरिज्म में, तो वहाँ उनके किसी अफसर से मेरी बात हो रही थी लड़कियों की तालीम के ऊपर, क्योंकि अभी जो है मुझे पता लगा कि छठी जमात तक या 6th level तक, 6th grade तक वो बच्चियाँ स्कूल जा सकती हैं, उसके बाद के जो हैं वो भी बंद हैं। तो वो कह रहा था क्योंकि हमारे जो है इनकी हुकूमत जो है वो भी अभी नई है और इनके पास अभी इतने फाइनेंसिस भी नहीं हैं और लड़कियों की तालीम क्योंकि उन्होंने अलग करनी है, को एजुकेशन जो है वो नहीं हो सकती, तो अलग करने के लिए उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए, और उसके बाद उनको चाहिए तकरीबन कोई 1.5 lakh टीचर्स लड़कियों के ख्वातीन, तो उनको पे करने के लिए ख़र्चा इनको चाहिए जो इनके पास अभी नहीं है या कम है, तो इसलिए अभी उसको उन्होंने पॉज पे रखा हुआ है। और साथ में जो पॉलिटिकल रीजन भी कुछ हैं कि उन पॉलिटिकल रीजन की वजह से उन्होंने अभी उसको बंद किया, लेकिन वो कहते हैं कि वेरी वेरी सून कि जो है उनकी तालीम वो खोल दी जाएगी। तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तेरे जो है लड़कियों की तालीम क्यों बंद की हुई है, लड़कों की क्यों नहीं बंद की हुई लड़कों की? तो वो कहता है कि अफ़गान कल्चर में ये है कि लड़कों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है लड़कियों की बजाय, और ये अफ़गान कल्चर का आज का नहीं 5000 साल पहले का जो है ये सारा कल्चर जिनका बना हुआ है, और उसकी वजह से उन्होंने लड़कियों की तालीम को बंद किया हुआ फ़िलहाल, और उसके फाइनेंस वगैरह उसके ऊपर काम कर रहे हैं ये लोग। तो देखें कि दुनिया जो है, दुनिया के और ममालिक उनका इनका कितना साथ देते हैं इसमें इनकी हुकूमत, क्योंकि ये काम तो ये अब कर रहे हैं। मैंने देखा है यहाँ पे इनका कुछ ना कुछ जो कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, कुछ थोड़े से ऑर्गेनाइज भी हो गए। सर मुझे पहले जब मैं आया था तो तकरीबन हर चेक पोस्ट पर उन्होंने मुझे रोका था
और अभी अब जो है वो हर चेक पोस्ट ब्रीन उसको नहीं रोकते और उनको पता है कि टूरिज्म जो है वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमारे परमिट तो गए हो बड़ी मुश्किल से, सारा दिन वहाँ पर लगा, एक्सपीरियंस करना चाहता था मैं, वरना मेरे एक और कॉन्टैक्ट था तो वहाँ से खुद ही बन सकता था, लेकिन मैं पूरा प्रोसेस जो उसके मैं देखना चाह रहा था कि कैसा है प्रोसेस, और बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत ही स्लो, लेजी, इनएफिशिएंट और बहुत ही प्रॉब्लम है स्पेशली फॉर टूरिस्ट। मे बी के बाद में कभी, शायद कुछ अरसे के बाद ये प्रॉब्लम ना रहे और बेहतर हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो टूरिस्ट की थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि वो टूरिज़्म को यहाँ पे लेके आना चाहते हैं और उसके लिए वो कोशिश फ़िलहाल तो कर रहे हैं, तो आज सारा दिन जो मेरा आज है वो इसी में गुज़र गया है। और उसका तरीका ये है कि पहले आपको एक लेनी पड़ती है एक ट्रैवल एजेंसी जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, और अब मैं क्योंकि अकेला हूँ मोटरसाइकिल पे तो मेरे साथ कोई गाइड नहीं होगा, तो उस परमिट के लिए ट्रैवल एजेंसी मुझे कोई लेनी पड़ती थी जिसने मेरे से $150 लिए, और 5 प्रोविंस के जाने के तकरीबन $50, तो तकरीबन टोटल खर्चा इसके ऊपर आया है $200। हम यहाँ पे काबुल की गलियों में ढूंढते एक बहुत ही पुराने जो हमारे जो हैं फोटोग्राफर, हम वहाँ पे आ पहुँचे हुए हैं और ये उनका है घर। सलाम अलैकुम, इज दिस रेडी? यस। सलाम अलैकुम। ओके सर, दिस इज एन ओल्ड मशीन। خلاص اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد۔ اچھا ویسے ایسا فوٹو میں نے بنوایا تھا جب میں بہت چھوٹا سا تھا بھاولپور میں، اب آج کل اس کو یہاں پہ بنوا رہے ہیں۔ Est-ce que c'est moi ici? Est-ce que j'ai ce mot ici? Copissa, c'est malade ici. On connaît ce mot, il y a que ce balade ici. Un demi ouvert, t'as dit mon nom. باز از باز چی میکنیم اونو؟ از این باز میگه باز از دکان بریم چاپش میکنیم. یه اپکا نگتیف ہے، نگتیف ہے 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 ये है जी इनका कैमरा। हाँ कैमरा से इसमें क्या होता है? और इसमें दवाई वाला दवाई दवाई है दवाई आकोसी से दवाई आकोसी होता है दवाई आकोसी से। इसमें जनाब ये यहाँ पर डालते हैं कोई कुछ केमिकल मेरे ख्याल में, कोई दवाई वगैरह नेगेटिव बनाने के लिए, और अब उसको वापस अंदर डाल दवाई साफ करके जो रकम दवा दो रखी है आक्स में गिराई। ये इनकी शॉप है और ये हमारा फोटो है। वाओ, यहाँ से ये वाला फोटो मारा है।
You are from here, from Kabul? Yes. Are you from Kabul? As Kabul is here. Oh, yes. Urdu nahi janta, Urdu? No. Urdu nahi aata? No. Acha? अंग्रेजी है अंग्रेजी आता था बहुत अच्छी बात है ये कुछ गिर गया नीचे आ गए ये कैमरा व्हाट इज कैमरा आपका नाम क्या नाम अस्मतुल्लाह अस्मतुल्लाह मंसूर अस्मतुल्लाह मंसूर अच्छा ये गिर गया ना ये आपने कहना हंस पड़ने आया गिर गया सॉरी मुझे माफ कर दो अब मेरा काम हो जाना इसलिए चलाना जो है वो नहीं दूंगा चलाना नहीं दूंगा फारसी थोड़ा थोड़ा फार्मी कलील फारसी कलील फार्मी कलील कलील बगम सही था कलील कलील ओके ओके इसको तरोड़ा ये चक्कर था अच्छा काबुल का व्यू बड़ा अच्छा आ रहा है के पहाड़ियां हैं आसपास काबुल के आसपास और वो सारे वहाँ मेरे मोटरसाइकिल को मुआयना कर रहे हैं ये गन यहाँ पे क्यों लगा के बैठे हुए हैं सलाम अलैकुम क्या हाल है किसका निशान लेके बैठे हैं किसका निशान है ये निशान है किसका लिया हुआ नहीं इसी तरह है ठीक है नकली है क्या असली है अमेरिका ये आजाद पैसा अमेरिका अमेरिका तोहफा दे गया अमेरिका से गनीमत है गनीमत है अमेरिका से गनीमत है अच्छा हाँ हाँ अमेरिका गनीमत है ना माल गनीमत अमेरिका मगर गनीमत है जबरदस्त 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 बहुत अच्छा है तो जम बरजान हुआ ये मुझे समझ नहीं आई बस मैं ईरान था सब था शाह गनीमत को नहीं जी ये मेरे पीछे आपको ये मकबरा जो नज़र आ रहा है ये वाला ये जो अफगानिस्तान का जो बादशाह था नादिर शाह नादिर खान जो कि 1929 में अफगानिस्तान का उसको किंग बनाया गया था और 1933 में सिर्फ 4 साल के बाद उसको मार दिया गया था तो ये उसकी कब्र है यहाँ पे और वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है मकबरा वो वाला वो इसका कज़न एक था यहया खान जो कि तकरीबन 170 साल पहले जो फौत हुआ था तो वो सामने वो वाला मकबरा जो है वो उसका मकबरा है अच्छा ये ऊपर जो कब्र मैंने आपको दिखाई है वो एक सिंबल है वो सिंबॉलिक है कब्र ऊपर नादिर शाह की जो उसकी असल कब्र है वो ये वाली है ओके अस्सलाम वालेकुम ओके अस्सलाम वालेकुम वेल काबुल सिटी इज़ ब्यूटीफुल यहाँ पर देखें काबुल के जो है छोटी छोटी गलियाँ पहाड़ियाँ आसपास और ये स्पीड ब्रेकर्स हम जिस टाइम घर वापस आ गए हैं दिन तो हमारा काफ़ी ट्रबलसम गुजरा है काफ़ी मुश्किल से गुजरा है दिन वहाँ पे जो है हमारा चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वहाँ पे काफ़ी हमें प्रॉब्लम हुआ और उसके बाद हम गए थे देखने के लिए नादिर शाह के किले उसके जो है उसके मकबरे को देखने के लिए लेकिन जब हम यहाँ से अब वापस आए हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ था खाने में और ऐसा कलरफुल खाना मैंने पहले आज तक नहीं देखा कि ये इसमें कलरफुल इतना है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या क्या है अच्छा सिफात भाई इसमें क्या क्या है ये इसका नाम क्या है आशक है आशक हाँ जी अच्छा आशक है इसका बहुत अच्छा मज़ेदार है जी अच्छा ये बना कैसे है जिसमें है क्या क्या घर से बना किया घर में बनाया हाँ जी इसमें है मुझे क्या, पता क्या? नहीं है क्या है हाँ जी अच्छा ये फील्ड डम्पलिंग्स हैं ये जिसे हमने वहाँ खाया था उसका नाम क्या था उसका नाम मेरे जहन से अब निकल गया लेकिन बहुत ही टेस्टी है आशक इसका नाम आशक इसका नाम है जी आशक अफगानी में तो मैं ये खाता हूँ और थोड़ा रेस्ट करते हैं और इंशाल्लाह फिर मैं आपसे मिलता हूँ कल किसी और जगह से किसी और वीडियो में किसी और स्टोरी के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड अस्सलाम वालेकुम।